हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग अकेडमी में फ्रेंड्स आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नर्सिंग एग्ज़ामों में बेहतर तैयारी के लिए बेसिक नर्सिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आने वाली सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स जैसे कि ऑल स्टेट पी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम लाइक यू पी पी स्टाफ नर्स ऑल स्टेट एनएचएम स्टाफ नर्स ऑल स्टेट सीएचओ स्टाफ नर्स एग्जाम आल ए एन एम जी एन एम बी एस सी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एम पी सी एच ओ बिहार एन एच एम सी एच ओ एम पी एच डब्ल्यू बी एफ यू एच बिहार एन एच एम स्टाफ नर्स इसके अलावा ई एस आई सी स्टाफ नर्स आर आर बी पी जी आई एम्स आर्मी नर्सिंग बी एस एफ सी आर पी एफ नर्सिंग जितने भी नर्सिंग कम्पटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक क्वेश्चन है ओके फ्रेंड्स इसलिए आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखें और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर वन है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज जीवन की बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट क्या है फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज या बेसिक यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज फ्रेंड्स इन सभी का एक ही राइट right आंसर होता है वो होता है सेल्स ठीक है कोशिका ठीक है बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ इज सेल ओके सभी एनिमल और प्लांट की सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी अथवा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ अथवा फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं ठीक है तो इस टाइप से अगर कोई भी आपसे वर्ड यूज करके पूछा जाए कि स्ट्रक्चुरल यूनिट ऑफ बॉडी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी या फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है तो फ्रेंड्स उसका राइट right आंसर एक ही होगा सेल ठीक है फ्रेंड्स आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू मेन दिन डिफ्रेंस बिटवीन प्रोकेरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल इज देंस ऑफ विच प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मुख्य डिफरेंस किसका ऑबसेंस होना होता है फ्रेंड्स विकल्प आपके सामने है राइट आंसर क्वेश्चन का गेस्ट करें फ्रेंड्स सारे बेसिक क्वेश्चन हैं सभी नर्सिंग एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है ओके okay? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू का सभी लोग राइट आंसर गेस करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टू का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्रू न्यूक्लियस ओके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन जो डिफरेंस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस का होता है ठीक है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गानेल्स तथा क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की कमी अथवा ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंस होता है ठीक है अपसेंट होता है किसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट रहता है ठीक है यूकैरियोटिक सेल इज़ ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाई द मेम्ब्रेन ठीक है इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन के चारों तरफ होता है ठीक है यानी ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल में ठीक है ओके okay, दो क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एसिमिलेटेड बाय यूकैरियोटिक सेल निम्नलिखित में क्या यूकेरियोटिक कोशिकाओं द्वारा एसिमिलेटेड नहीं किया जाता है ठीक है फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर थ्री का च ऑफ दॉट एसेमिलेटेड बाई यूकेरियोटिक सेल फ्रेंड क्वेश्चन का राइट right आंसर है नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजन इस क्वेश्चन के लिए राइट right आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑर्गानल्स ऑफ सेल कॉल पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गानेल्स को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं सभी लोग राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर का गेस करें ओके फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रोकॉन्ड्रिया माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है ठीक है माइक्रोकॉन्ड्रियन जिसका डायमीटर होता है पॉइंट फाइव इंच ठीक है एक रॉड अथवा अथाव, ओवल के आकार का एक कोशिकीय अंग यानी सेल आर्गानेल होता है ठीक है किस टाइप का सेल आर्गानेल होता है रॉड अथवा ओवेल के आकार का ओवेल के सेप का ठीक है ओके इसमें वे सभी एंजाइम होते हैं ठीक है इसमें इसमें वे सभी एंजाइम होते हैं जो सेल रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म की एरोबेटिक स्टेज के लिए आवश्यक होते हैं ठीक है किसके किसके लिए ये yes, इसमें वो सभी एंजाइम होते हैं जो सेल के रेस्पिरेशन यानी मोटा मेटाबोलिज्म और एरोबिक स्टेज के लिए आवश्यक होते हैं इसलिए इसलिए यह सेल में अधिकांश एटीपी निर्माण या ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म की जगह होती है अतः इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसी वजह से इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं किसको माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक है क्लियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव है विच ऑफ द प्रोटीन इन्वॉल्व इन फार्मिंग द साइटो कौन सा प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन साइटो बनाने में सहायक होता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर गेस करें फ्रेंड क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्टिन जो एक्टिन प्रोटीन है वो साइटो फॉर्म फार्म करने या बनाने में मदद करता है या इन्वॉल्व रहता है ठीक है साइटो एक सेल का इंटरनल स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है जो तीन प्रकार के फिलामेंट जैसे माइक्रो माइक्रोफिलामेंट, फाइब्रिस ऑफ प्रोटीन एक्टिन, माइक्रो माइक्रोट्यूबल्स व इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है या तीन फिलामेंट से बना होता है ठीक है कौन साइकोस्कैल्टन वो तीन फिलामेंट क्या हैं माइक्रोफिलामेंट्स जिसको फाइब्रिल्स आप प्रोटीन एक्टिन या माइक्रोट्यूबल्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं ठीक है इन तीन फिलामेंट से साइको बना रहता है या सेप को मेंटेन करता है ठीक है या सेल की या कोशिका की सेप ठीक है को मेंटेन करता है तथा सेल की तीन डायमेंशनल स्ट्रक्चरल में होने वाले चेंजेस को अलाउ करता है सेल की कितने डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं तीन डायमेंशनल दाए, स्ट्रक्चर में सेल के चेंज होते हैं केवल थ्री डायमेंशनल आप स्ट्रक्चर में सेल के चेंज होते हैं तो इसको ये अलाउ करता है एक्टिन प्रोटीन ठीक है ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स द एक्वियस पार्ट ऑफ सेल इन विच मैनी आर्गानेल्स एंड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इज फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है सेल का जलीय भाग जिसमें कई आर्गानेल्स और पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वह है वह क्या है फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइटो साइटोसोल है ठीक है वो क्या है साइटोसेल सोल है ठीक है सेल का वह जलीय भाग जिसमें कई आर्गानेल्स और पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वह क्या है साइटोसोल है ओके साइटोप्लाज्म से तात्पर्य उन सभी उन सभी कंपोनेंट से होता है जो न्यूक्लियस व सेल मेंब्रेन के बीच में होते हैं ठीक है उन्हें क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं ठीक है साइटो में साइटोसोल और आर्गानेल सेल और इंटरनल स्ट्रक्चर सम्मिलित होते हैं ठीक है साइटोप्लाज्मे में क्या क्या होते हैं साइटोसोल होता है और ऑर्गानेल्स होते हैं जिसमें जिसको सेल और इंटरनल सब सब स्ट्रक्चर कहा जाता है ठीक है सम्मिलित होते हैं साइटोप्लाज्म का फ्लूड पोर्शन साइटोसोल होता है जो साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड वाला फ्लूड वाला भाग होता है उसे साइटोसोल कहते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स और आयरन का एक्वियस सैल्यूशन होता है जिसमें किसका सैल्यूशन होता है न्यूट्रिएंट्स का और आयरन्स का ठीक है इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है ठीक है फ्लूड पोर्शन ऑफ साइटोसोल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन एस्टेरॉइड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है एस्टेराइड का निर्माण निम्न में से कौन सी संरचना के अंदर होता है एस्टेराइड का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना के अंदर होता है क्वेश्चन नंबर सेवन सभी लोग राइट आंसर गेस करें फ्रेंड क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रियन ठीक है माइटोकॉन्ड्रियन के अंतर अंदर एस्टेराइड्स का निर्माण होता है ठीक है एस्टोरॉयड सिंथेसिस आकर इनटू साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है एस्टोरॉयड का जो सिंथेसिस है वो कहां पर होता है साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द सेल ऑफ आवर बॉडी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर एट का सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर एट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ठीक है फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट सेल के फ्लूड वाले भाग को साइटोसोल कहते हैं ठीक है ऊपर के एक क्वेश्चन में बताया भी था जो सेल का फ्लूड वाला भाग होता है उसे साइटोसोल कहते हैं जो संपूर्ण सेल के फिफ्टी फाइव परसेंट वैल्यूम को बनाता है ठीक है संपूर्ण सेल के कितने वैल्यूम को बनाता है फिफ्टी फाइव परसेंट वैल्यूम को साइटोसोल बनाता है साइटोसोल में 90 परसेंट पानी व 10 परसेंट अन्य घुलनशील कण होते हैं जैसे कि ग्लूकोज एमिनो एसिड आयरन या वेस्ट प्रोडक्ट ठीक है साइटोसोल का जो 90 परसेंट भाग होता है उसमें पानी होता है इसके अलावा जो 10 परसेंट भाग होता है उसमें ग्लूकोज एमिनो एसिड आयरन और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसी वजह से अतः कुल मिलाकर लगभग सेल में फिफ्टी पानी होता है नाइन्टी परसेंट आप फिफ्टी अगर करेंगे तो फिफ्टी परसेंट आ जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन विच मीडियम इज सुटेबल फॉर सेलुलर एक्टिविटी निम्नलिखित में से कौन मीडियम सेलुलर एक्टिविटी के लिए सुटेबल होता है फ्रेंड्स एसिडिक न्यूट्रल बेसिक या ऑफ दी एब क्वेश्चन नंबर नाइन फ्रेंड्स सभी लोग राइट आंसर गेस करें क्वेश्चन नंबर नाइन का फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट right आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी ठीक है बेसिक मीडियम जो है वो सुटेबल हो, होता है सेल को अच्छी प्रकार से कार्य करने के लिए ओके लाइसोसोम्स पीएच अराउंड फाइव के अलावा सामान्य सेल्यूलर एक्टिविटी के लिए लाइसोसोम को छोड़कर ठीक है जिसका पीएच कितना होता है अराउंड फाइव के ठीक है साइटोप्लाज्म का पीएच लगभग सेवन पॉइंट टू बेसिक होता है ठीक है एक न्यूट्रल अथवा हल्का सा एसिडिक पीएच सिक्स पॉइंट नाइन फाइव अगर पीएच हो जाएगा तो वो कोमा और मृत्यु का कारण हो सकता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सभी बेसिक क्वेश्चन सभी नर्सिंग कम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ साथ सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं ठीक है, है? इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ओके क्वेश्चन नंबर टेन है प्रोटीन यूजफुल आउटसाइड द सेल आर मैन्युफैक्चर्ड इन क्वेश्चन नंबर टेन सभी लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर टेन का सेल के बाहर काम आने वाले प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है सेल के बाहर काम आने वाले प्रोटीन का निर्माण कहां पर होता है क्वेश्चन नंबर टेन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर टेन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑन दी रफ इंडो रेटिकुलम ठीक है ऑन दी रफ इंडो रेटिकुलम में प्रोटीन का निर्माण जो सेल के बाहर काम आता है उसका निर्माण होता है ठीक है राइबोसोम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह से जुड़े होते हैं वह सेल के बाहर उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं फ्री राइबोसोम जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म के उपयोग में आने वाले प्रोटीन बनाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले राइबोसोम केवल माइट्रोकॉन्डिया के लिए प्रोटीन बनाते हैं क्लियर ओके फ्रेंड्स अगर कोई डाउट है तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर फर्दर रेफरेंस ले सकते हैं ठीक है राइबोसोम जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह पर जुड़े होते हैं वो सेल का बाहर उपयोग आने वाले प्रोटीन बनाते हैं जो सेल के बाहर उपयोग आते हैं ठीक है वो राइबोसोम बनाता है ठीक है फ्री राइबोसोम जीव द्रव यानी साइटोप्लाज्म के उपयोग आने वाले प्रोटीन बनाते हैं तथा माइटोकॉन्डिया के अंदर पाए जाने वाली राइबोसोम केवल माइटोकंडिया के लिए प्रोटीन बनाते हैं ठीक है स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते ठीक है जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनकी बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन एक बेसिक क्वेश्चन है सेवन इज द नॉर्मल पी एच ऑफ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये नॉर्मल एग्जाम में भी जीके के क्वेश्चंस के रूप में भी पूछा जाता है ठीक है जो सेवन है वो नॉर्मल पीएच किसका होता है फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्लूड विथ इन अटिपिकल सेल का जो नॉर्मल पी होता है जो सेल के अंदर वाले भाग में जो फ्लूड होता है उसका जो नॉर्मल पी होता है वो सेवन होता है ठीक है ये एकदम शुद्ध जल का पीएच होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आर्गानील्स रिलेटेड टू मेटाबोलिक प्रोसेस आर फाउंड इन साइड फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है मेटाबोलिज्म प्रोसेस से संबंधित आर्गानील्स किसके अंदर पाए जाते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सभी लोग राइट आंसर गेस करें? किस करें मेटाबोलिक प्रोसेस से संबंधित आर्गानील्स किसके अंदर पाए जाते हैं क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडो प्लाज्मिक इज कंसर्न विद ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडो प्लाज्मिक इज कंसर्न विद सिंथेसिस ऑफ क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आवश्यक होते हैं कंसर्न होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टिश्यू रिपेयर आकार ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस विच आकार इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर चौदह सभी लोग राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर फोर्टीन प्रोटीनस सिंथेसिस के कारण टिश्यू रिपेयर होता है जो निम्न में होता है किस में होता है प्रोटीन सिंथेसिस के कारण टिश्यू रिपेयर होता है जो निम्नलिखित में से किस में होता है राइट का आंसर right है ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्रोटीन सिंथेसिस इज अ फंक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्रोटीन सिंथेसिस किसका कार्य है फ्रेंड्स जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किसका कार्य है क्वेश्चन नंबर पंद्रह राइट आंसर किस करें क्वेश्चन नंबर पंद्रह का ओके क्वेश्चन नंबर पंद्रह का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन व्हाट आर द एक्वापोरिन्स एक्वापोरिन्स क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी वाटर चैनल है ये ठीक है ये एक वाटर चैनल है Iquiporins, एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो वाटर फ्लू को सेल के अंदर तथा बाहर जाने को अलाउ यानी फॉर्म वाटर चैनल करता है ये क्या क्या बनाता है एक वाटर चैनल बनाता है जो वाटर फ्लो को सेल के अंदर और बाहर जाने पे मदद करता है ठीक है एक वाटर चैनल बनाता है ठीक है एक सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सत्रह क्रोमोसोम कंटेन्स। क्रोमोसोम में क्या होता है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सॉरी सेवनटीन सभी लोग राइट आंसर गेस करें फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी ठीक है क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है क्या रखता है डीएनए रखता है ओके क्रोमोसोम डीएनए के लीनियर स्ट्रेन होते हैं किसके स्ट्रेन होते हैं डीएनए के जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं ठीक है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं क्रोमोसोम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अठारह ओके क्वेश्चन नंबर अठारह है न सेल कंटेंस हाउ मैनी जीन्स ह्यूमन जो मानव सेल होते हैं मानव की कोशिका होते हैं उनमें कितने जीन होते हैं ठीक है उनमें कितने जीन होते हैं क्वेश्चंस का राइट आंसर गेस करें सभी लोग फ्रेंड क्वेश्चंस का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन लाख जीन होते हैं मानव सेल में ठीक है शुरुआती आकलन में एक लाख जीन माने गए थे ठीक है जो शुरुआती आकलन होते हुए थे, थे उनमें एक लाख जीन माने गए थे ये भी एम सी को क्वेश्चन है पूछा जाएगा कि शुरुआती आकलन में कितने जीव माने गए अब यह रिवाइज होने पर बीस हजार से पच्चीस हजार ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का एक सेल में होने का अनुमान है ठीक है एक सेल में कितना होने का अनुमान है ट्वेंटी थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जीन का ओके ये भी हुआ है ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि न्यू रिवीजन के अनुसार न्यू रिवाइज के अनुसार ट्वेंटी आ, एक सेल में कितने जीन होंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग कंटिन्यूस स्टैंड ऑफ डी एन एट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है निम्न में कौन सा एक डीएनए का लंबा कॉन्टिन्यू स्ट्रेंड होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाता है निम्नलिखित में कौन सा एक डीएनए का लंबा कॉन्टिन्यूस स्ट्रेंड होता है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ले जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का राइट आंसर किस करें फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नॉर्मल जीके के क्वेश्चनों में भी पूछे जाते हैं ठीक है थीके? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल नॉर्मल ह्यूमन सेल में या नॉर्मल ह्यूमन कोशिका में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आप सभी राइट आंसर गेस करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी फोर्टी सिक्स ठीक है ये एक बेसिक क्वेश्चन है बहुत कंपटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है बहुत सालों से पूछा जा रहा है ओके फ्रेंड्स आज की क्लास में बस ट्वेंटी ही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए थे अब आप लोग हमें जरूर बताएं कि ट्वेंटी में से आपने कितने क्वेश्चन के राइट आंसर करेक्ट दिए ठीक है क्योंकि फ्रेंड्स ये बेसिक क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ठीक है क्योंकि ये जीके के क्वेश्चनों में भी पूछे जाते हैं और नॉर्मल नर्सिंग के क्वेश्चनों में तो पूछे ही जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स जो भी बड़े कंपटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसलिए मुझे ये सभी क्वेश्चन करवाने की जरूरत पड़ी ओके फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों पर शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स